हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हाइड्रो पावर प्लांट। हाइड्रो पावर प्लांट क्या होते हैं? तो जैसा कि हमने देखा, अनदर ट्रेडिशनल सोर्स की अगर हम बात करते हैं, तो इसमें जो हाइड्रो पावर प्लांट है, तो इसमें देखते हैं कि जो एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी जो बनाती है फ्लोटेशन ऑफ वाटर और द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर एट अ हाइट। यानी काइनेटिक एनर्जी कैसी है, जो कि पानी की जो मूवमेंट है बहुत तेज है, तो इसके कारण काइनेटिक एनर्जी बन रही है। और जो पानी जो है एक हाइट से ऊपर की ओर से नीचे की ओर गिर रहा है, जैसे कि इस डायग्राम के अंदर दिया हुआ है, यहाँ से पानी जो है ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है। तो ये जो एल्टीट्यूडनल पॉइंट्स हैं, यहाँ से ये हाइट है, ये लोअर पॉइंट है, तो यहाँ से जो एल्टीट्यूडनल पॉइंट है, यानी इन दोनों के बीच का डिफरेंस ये है, तो ये जो डिफरेंस है यही हमारे किस काम आ रहा है, यही पानी को क्या कर रहा है, पानी की मूवमेंट को बढ़ाने के काम आ रहा है। तो अब हम जानते हैं और भी कॉन्सेप्ट, जैसे हाइड्रो पावर प्लांट जो है पोटेंशियल एनर्जी को क्या करता है, पोटेंशियल एनर्जी से गिरता है और वो चेंज हो जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। तो जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर चेंज हो जाता है, और इस प्रोसेस को करने के लिए हमने देखा है कि बहुत सारी पोटेंशियल एनर्जी से द्वारा इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए हमने वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे डैम्स को देखा हुआ है। तो ये जो डैम्स जो होते हैं, ये पोटेंशियल एनर्जी को बनाने का काम करते हैं, और पोटेंशियल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी को बनाने का काम करते हैं। और पोटेंशियल एनर्जी किसके अंदर से रिलीज़ की जाती है, वाटर का एक एल्टीट्यूड से ऊपर से नीचे की ओर गिरना। तो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, जैसा कि हमने लास्ट सेंचुरी में या और भी कई सारी शताब्दियों में देखा है कि ज़्यादा से ज़्यादा डैम्स को बनाया गया, और इन डैम्स को बनाने के बाद अब हम आज की डेट में देखते हैं 14.1 अगर हम फिगर देखा होगा हमने, तो उसमें देखा होगा क्वार्टरली जो है हिस्सा डैम्स का हो चुका है। 14.1 की अगर हम बात करते हैं, तो इस वाले डायग्राम में अगर हम देखते हैं, तो इसमें हम देखते हैं जो येलो कलर का जो पोर्शन दे रखा है वो हाइड्रो पावर प्लांट्स का दे रखा है, यानी जो पानी के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने वाले जो प्लांट्स हैं इनके अंदर दे रखा है। तो ऐसे ही हमें ये चीज़ देखने को मिलती है कि वाटर इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल अब ज़्यादा से ज़्यादा किया जा रहा है, क्योंकि हमको पता है कि जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं वो लिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में देखे जा रहे हैं, क्योंकि ये जो रिजर्वियर्स हैं ये लिमिटेड हैं और ये धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं। तो इनको समाप्त होने से रोकने के लिए हम हाइड्रो पावर प्लांट्स ज़्यादा से ज़्यादा सेटल डाउन कर रहे हैं, ताकि भविष्य में इलेक्ट्रिसिटी की कमी को महसूस ना किया जा सके। तो जैसा कि हम देखते हैं कि अगर हम हाइडल इलेक्ट्रिसिटीज़ को प्रोड्यूस करते हैं, तो इसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा डैम बनाने पड़ेंगे, जो कि रिवर के ऊपर बनाए जाएंगे, या फिर पानी जहाँ से ऊपर से नीचे की ओर फ्लोटेशन में आता है उन जगहों पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिजर्वियर को बनाना पड़ेगा, और रिजर्वियर को धीरे धीरे टर्बाइंस के सहारे निकालना पड़ेगा, और इनको जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी को जनरेटर के द्वारा पावर हाउस से पावर लाइन्स के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो इसके अंदर अगर हम देखते हैं तो वाटर के जो हमारे लेवल हैं वो ज़्यादा राइज होते हैं, उसके कारण यानी जितना ज़्यादा हम वाटर लेवल बढ़ा के रखेंगे और फिर पानी को प्रेशर के साथ भेजेंगे, और प्रेशर के साथ भेजने के बाद वो जो टर्बाइंस के जो रोटेटरी फिन्स हैं ये आसानी से स्पिन होंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा स्पिन होंगे, जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी को ज़्यादा से ज़्यादा बनाया जा सकता है। जो हमारा वाटर लेवल जो है वो हमेशा हाई रखना है, उसका एल्टीट्यूड हाई रखना है, क्योंकि देखो पानी अगर प्रेशर से आ रहा है तो वो काइनेटिक एनर्जी के साथ आ रहा है, पानी अगर ज़्यादा से ज़्यादा हाइट से आ रहा है तो वो पोटेंशियल एनर्जी के साथ में आ रहा है। तो इसीलिए हमें ये दोनों चीज़ों को साथ में लेकर चलना है, जिसके कारण हम टर्बाइन को ज़्यादा से ज़्यादा घुमाएँ और इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकें। और जो वाटर जो हाइड्रो पावर प्लांट जो हैं ये ऐसी एनर्जी को बनाते हैं जो कि रिन्यूएबल सोर्सेस होती है, जैसे कि हमने फॉसिल फ्यूल के बारे में लास्ट कॉन्सेप्ट में पढ़ा था, जिसमें लिखा हुआ था कि दीज आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस,
इसका मतलब इनको एक बार कंज्यूम करने के बाद या यूज़ करने के बाद दोबारा वैसा ही नया नहीं बनाया जा सकता। लेकिन हाइड्रो पावर प्लांट के अंदर वाटर के द्वारा कंज्यूम किया गया इलेक्ट्रिसिटी को या प्रोड्यूस की गई, जनरेट की गई इलेक्ट्रिसिटी को खत्म कंज्यूम मतलब लेने के बाद, उसके बाद दोबारा से उसी वाटर को अगर दोबारा से उतने ही प्रेशर से और उतने एल्टीट्यूड से अगर लगाया जाता है तो हम दोबारा से उस वाटर के प्रेशर से टर्बाइन को रोटेट कर सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को बार 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 जनरेट कर सकते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट इसके अंदर दिया हुआ है। तो इसलिए जैसे कि जो हमारे डैम्स जो होते हैं इसी वजह से ज़्यादातर पहाड़ी हिली एरियाज में बनाए जाते हैं जो कि एग्रीकल्चरल लैंड से थोड़ा सा दूर होता है, क्योंकि नॉर्मल प्लेन लैंड पर अगर हमें हाइट चाहिए तो उसके लिए हमें बहुत बड़े बड़े डिग खोदने पड़ेंगे जिसके अंदर पानी के रिजर्वियर बनाने पड़ेंगे। लेकिन जो पहाड़ी इलाके होते हैं या जहाँ पर मैदानी क्षेत्र नहीं है, पहाड़ी पूरा पहाड़ी इलाका है, तो उन जगहों पर जो बड़े बड़े रिजर्वियर्स होते हैं वहाँ पर पानी को स्टोर किया जाता है और पानी की बहुत बड़े बड़े डैम्स बनाए जाते हैं और डैम्स के अंदर पानी को स्टोर करके बहुत बड़े बड़े रिजर्वियर, देन एक एक करके वाटर रिजर्वियर को जो उनके गेट्स होते हैं उनके चैनल्स को खोल दिया जाता है और जिसके बाद क्या कहते हैं पानी बहुत आसानी से एक एक करके जब निकलता है तो वो बहुत प्रेशर में होता है और एक एक टनल से जब निकलता है तो बहुत प्रेशर में होता है। प्रेशर में होने के कारण टर्बाइंस को बहुत इजीली और फास्टली घुमा देता है, रोटेट हो जाते हैं। तो इसलिए वाटर डिस्ट जो हैं कई सारे जो हैं डैम्स जो हैं वो हमारे इकोसिस्टम को नुकसान भी पहुंचा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जहां जहां पर ज़्यादा बड़े बड़े वाटर रिजर्वियर्स होते हैं तो वहां पर जो आसपास के जो गांव वगैरह होते हैं या विलेजेस वगैरह जो होते हैं, जो छोटे छोटे कस्बे होते हैं, उनको नुकसान पहुंचने का डर होता है। क्योंकि जो डैम्स जो होते हैं कभी भी रिस्की होते हैं क्योंकि ओवरफ्लो होने के कारण ये बहुत बड़ी बाढ़ का खतरा भी बन सकते हैं। तो इसलिए आसपास के इलाके को भी इस वजह से खाली करा दिया जाता है। और इसके बाद जो वनस्पति जो होती है वो भी वहाँ से समाप्त होती चली जाती है और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में क्या हो जाती है, मीथेन गैस बनने लगती है और ग्रीन हाउस गैस बनने लगती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड बार बार बनने लगती है। और इसके कारण जो है कई सारे लोगों को अपनी जगहों से छोड़ जो जहाँ पर रह रहा होता है, जहाँ पर डैम के ज़्यादा नज़दीक अगर कोई रहता भी है तो यानी उन लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर डिस्प्लेस कर दिया जाता है ताकि उन लोगों को जान और माल दोनों का नुकसान ना हो और उन दोनों की हानियों से बचाने के लिए लोगों को दूर दूर शिफ्ट कर दिया जाता है। जैसे कि टेहरी डैम जो उत्तराखंड में बना हुआ है गंगा के ऊपर, और दूसरा सरदार सरोवर डैम प्रोजेक्ट जो है रिवर नर्मदा के ऊपर है, और यहाँ पर इनको बनाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई थी। तो डैम्स वाला हमारा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो गया है, हाइड्रो पावर प्लांट हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इम्प्रूवमेंट इन द टेक्नोलॉजी फॉर यूजिंग कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। बाय।